Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। पति के साथ सपनों की दुनिया सजाने का अरमान लेकर 6 माह पहले सना ससुराल आई थी। कुछ दिन बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रताड़ना सहकर भी वह किसी तरह पति का प्यार पाने की आस में रह रही थी। आरोप है कि कुछ दिन बाद उसके पति को जेठानी के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सना ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद अवैध संबंधों में रोड़ा बनने वाली सना की हत्या कर उसे रास्ते से हटा दिया गया। हत्या की घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटकाया गया। घटना की जानकारी होने पर मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। 7 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जेठानी समेत 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तुरहनी रज्जब गांव निवासी कल्लू ने अपनी भतीजी 20 वर्षीय सना की शादी 20 मई 2021 को गांव के समीम से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला के पति का घर की अन्य महिला से अवैध संबंध भी था। इसकी जानकारी होने पर जब विवाहिता ने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसका विरोध भी करने लगी। इस पर उसे मारा पीटा जाने लगा। शुक्रवार शाम विवाहिता का जेठानी से विवाद हो गया। आरोप है कि सना की हत्या कर उसे सुतली की रस्सी के फंदे पर लटकाकर मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी होने पर मृतका के चाचा व अन्य परिवारजनक मौके पर पहुंचे। जिस कमरे में उसका शव पाया गया वहां संघर्ष के निशान भी मिले। घटना की जानकारी दरगाह पुलिस को दी गई, लेकिन 7 घंटे बाद भी घटनास्थल पर एक पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। घटनास्थल पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद देर रात 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक शहर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतका के चाचा कल्लू की तहरीर पर पति शमीम, जेठानी, सास व ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सहरू। क्या हुआ है आज? हिरन कारण बनवा हूँ। दहिया चलिए हिरन तब जाए लगी तो हमें छोटी कहीं देवरानी कहीं के चलो बहू तो चली आई उनके साथ से सना के तो कहीं के वो का करे इनके बहू बढ़ गई कहीं का करे ये हूँ बहुत कदर हुआ था हमारे बिटिया बोली कहीं के काहे नहीं कदर हुआ था हमरे यहाँ बस हमरे सामने कहते पे कटर हुआ था साथ दे पे कटर हुआ साथ दे पे हम समझाए के रोई के चली गई नहीं तीनों जना एक साथ आते वारे से बोले गलम से चली गई तर कई देर के बाद बल दीज न तई ये आपकी कौन है बिटिया तो इसकी हत्या किसने की इनका जेठानी के बड़ी वाली क्या नाम है उनका पता है मुनक्की वो फरार है यहाँ से हाँ भाग गई कितने साल पहले इसकी शादी हुई थी 6 साल बनाए बाबा 6 महीना बाबा आपका क्या नाम है सहरुल कहाँ की रहने वाली हैं आप रहने रचब के गावाई मई किस बात को लेके विवाद होता था इसका बेटी का कोई आदमी का रखत ही वो तोड़ से कब से शादी कर ले तो 3-4 चक्कर पकड़ी से बिटिया हमार ये सब एक अपारा थे कि काहे बतावा तो सब चीज मांगते रहे क्या मांगते थे कहते कुछ नहीं दियो दियो पहले का एक तकिया दे दियो ब्याह कह दियो मामी बाद में कुछ मांगी ने हमसे गाड़ी मोटर कूलर कुछ मांगी है मांगत रहे गाड़ी मांगते फुल दहेज मांगत रहे बिटिया का मार मार भगावे इससे पहले भी इसको मार के भगाए हैं कई बार वहाँ पूत लगावे भाग जाओ रेंदी हमरे घर से भौजाई कहा पूरा कतरा है जोन भौजाई कहा तरह बत्ता भर हुआ तरह है क्या नाम बता दिया आपका ये आपकी बहू है हाँ, ये आपकी पतुआ कैसे इसकी मौत हो गई शादी से जब पतुआ रही तो उसे त्रिपुटिर भावा तो हम हुनका डांट दी हुनका डांट दी तो हम चली गए तमाखू आना और ये मैंने भाई को तक चूल्हा बार दी हम चली गए तमाखू लेने तक हम दुआरे बैठ गए और हुआ से अब जोले हम आइन तो इनका देखा फांसी पे लगे हेरे लागे इनका कहाँ गई जब
आपका क्या नाम है? हमारा साजिदा नाम है। साजिदा, ये बताइए दादी, जैसे जिस रस्सी पे फांसी लटका बता रहे हैं उस पे तो कोई लड़का भी नहीं लटक सकता, ये कैसे लटक गई फिर? जब हम द्वारे गई हैं तभी चूल्हा बार दी न है और जब साग धरी न है बनने के लिए, और हम चली गई अपन बाहर तो हम जाना कि बनावट तो हुई है। पतो हो क्या आपके, क्या नाम है? कौन पतो? जो ये मरी है सना नाम है। और आपके बेटे का क्या नाम है? समीम नाम है। कहाँ है सब लोग? उस सूरत है साहब बाहर या नहीं है। ये हादसा जब हुआ तो वो यहाँ था? तो 3 महीना होगा बाहर। तो झगड़ा किससे हुआ इनका? हमारे पतुआ से एक थोड़े से भावा। अच्छा, बड़ी पतुआ से पहले भी झगड़ा होता रहा इनका? झगड़ा ऐसा हुआ न करता है, टिरपुटिर हुआ न करता रहा है, फिर अक्सर हो जाता है अपन, अक्सर हो जाता है। किस बात को लेके झगड़ा होता था दादी? अरे साहब, ये साहब हम घर में रही थे तो ये साहब जैसे तनिकुल कहीं नहीं पिया हो लागत रहा। हाँ, कभी समझाया आपने, आपकी बात नहीं मानी? हम समझावा यूं का समझाई लड़कों को समझा, जैसे लड़का रहे तो लड़कों जो कुछ कहा था रहे तो हम लड़का कहीं गरियाई देते रहे, मार बैठित रहे हम, और पतो रहे तो वह कहीं हम कही कि जैसे अलग अलग रहे, अब कम नहीं रहे भैया, वो अलग रहे ये अलग रहे, अब कम नहीं रहे अलग अलग। झगड़ा हुआ था वो कहाँ है? अब वो जैसे साहब जैसे रही, अब रही जैसे हर रोना पिटना पड़ा तो अब पता नहीं कोई के घर भाग गए कि कहाँ चले। क्यों भाग गए? अगर उनकी कोई गलती नहीं थी तो भाग क्यों गए? अब अपन भाग, अब हमका हम यहाँ अपन बाजी रहा ना, अपन रही, अब अल्लाह जाने कहाँ चली गई। ऐसा तो नहीं कि उसी ने मार दिया इसको? है? ऐसा तो नहीं कि उसी ने इसकी हत्या कर दी? नहीं साहब, मारी तो नहीं है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा। मारी सुनाई है।